हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस विद द एग्जाम एकेडमी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे सामान्य ज्ञान यानी जीके के यहाँ क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं और ये हमारा जीके का पार्ट सेकेंड है, जिसमें अगेन यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते, यहाँ एक एक क्वेश्चन को वन बाई वन हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है। तो जानते रहिएगा, डेनमार्क की राजधानी का जो नाम है वो है कोपेनहेगन। और कोपेनहेगन देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए अदर ऑप्शन में अगर बात करें तो याद रखिएगा, यहाँ देखिए लास्ट में आया है कैनबरा। कैनबरा जानते रहिएगा, ये कैनबरा जो है ये जानते रहिएगा ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आपको याद रखना है, जैसे डेनमार्क की राजधानी कौन है, कोपेनहेग है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। अगर बात करें यहाँ पे सिडनी की, तो जानते रहिएगा सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सिडनी। और ब्रिस्टल की बात करें तो ब्रिस्टल ये इंग्लैंड का एक शहर है, इतना याद रखना। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको तीन क्वेश्चन मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेग। अगर यही क्वेश्चन ये होता कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है, कैनबरा है। अगर ये क्वेश्चन होता कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सिडनी है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है। तो जानते हैं कि सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाले जो पुरुष रिकॉर्ड जिनके नाम हैं वो हैं वॉल्ट डिज्नी। और वॉल्ट डिज्नी देखिए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वॉल्ट डिज्नी के नाम सर्वाधिक पुरुष रिकॉर्ड है ऑस्कर जीतने का, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे थर्ड नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे। तो जानते रहिएगा, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले हॉकी के जो पहले खिलाड़ी थे वो थे बलबीर सिंह सीनियर। और बलबीर सिंह सीनियर देखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ बी में, तो हमारे यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी जो कौन है, बलबीर सिंह सीनियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए में है चावल, ऑप्शन बी में है सूरजमुखी, ऑप्शन सी में है गन्ना और ऑप्शन डी में है पेट्रोल। तो जानते रहिएगा, इन चारों की बात करें तो जानते रहिए कि एथेनॉल जो प्राप्त किया जा सकता है वो प्राप्त किया जा सकता है गन्ना से। और गन्ना देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि गन्ना से एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। फिर देखिए आ जाएंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो जानते रहिएगा, मोटापे को नापने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं BMI। और BMI देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा, BMI का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बॉडी मास इंडेक्स। जानते रहिएगा, बॉडी मास इंडेक्स उसको बोलते हैं, BMI हमारा होता है। याद रखिएगा, मोटापे को नापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो क्या है, BMI। फिर क्या आ जाएंगे यहाँ पे सिक्स नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जानते रहिएगा, पक्षियों के अध्ययन को जो कहा जाता है वो किया कहा जाता है आर्नियोथोलॉजी। और आर्नियोथोलॉजी देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पक्षियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, आर्नियोथोलॉजी। फिर देखिए अदर ऑप्शन की अगर बात करें, देखिए ऑप्शन नंबर ए में आया है एंटोमोलॉजी। तो अब ये क्वेश्चन अगर ये कहें एंटोमोलॉजी फिर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कीटों के अध्ययन को। अगर कीटों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, कीटों का जहां अध्ययन किया जाता है तो यहाँ आप कह सकते हैं कीटों। तो कीटों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। और अब बी नंबर हमारा जो आर्थियोनोलॉजी होता है वो किससे रिलेटेड है, वो है पक्षियों से रिलेटेड है। पक्षियों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आर्थिनोलॉजी बोलते हैं। और अगर हम बात करें बार्डोलॉजी, तो बार्डोलॉजी कोई शब्द नहीं है, हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया गया था। और बात करें हर्पेटोलॉजी, तो हर्पेटोलॉजी जानते रहेगा ये आता है सरीसृप, जो होता है सरीसृप। तो सरीसृप के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, सरीसृप के अध्ययन को हम बोलते हैं यहाँ पे हार्पेटोलॉजी। अब सरीसृप पे कौन आते हैं, सरीसृप स्नेक हो गया, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो सब आते हैं सरीसृप में। तो याद रखना है आपको, तो अगर देखें एक ही क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन मिल गए हैं। पहला क्या है,
अगर क्वेश्चन बोलता है कि एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं, तो एंटोमोलॉजी जो होता है कीटों के अध्ययन को बोलते हैं, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, उल्टा घुमा के पूछेगा, या तो पूछेगा कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो आंसर हमारा होगा एंटोमोलॉजी, या फिर अगर ये पूछेगा कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हम बोलेंगे कीटों का। फिर सेकेंड में जैसा हमारा क्वेश्चन आया कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हमने कहा कि ऑर्थोनोलॉजी, अगर ये होता कि ऑर्थोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हमें याद रखना है पक्षियों का। फिर हमारा आ जाएगा, देखिए डी नंबर पे आता है, अगर ये आ जाता है कि हार्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सरीसृप या जिसे रेप्टाइल्स कहते हैं, या फिर अगर ये कहा जाए कि रेप्टाइल्स में का अध्ययन किस में किया जाता है, तो रेप्टाइल्स का अध्ययन किया जाता है हार्पेटोलॉजी में। तो ये हमारे एक ही क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं अपने सेवन नंबर क्वेश्चन पे, सेवन नंबर क्वेश्चन में हमारा देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो जानते रहिएगा सौर मंडल का जो सबसे छोटा जो ग्रह है वो ग्रह है बुध ग्रह, और बुध देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन ये होता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है, ये आप जानते रहिएगा, ये क्या है, ये है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा अगर बात की जाएगी तो सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है, सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। और इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर ये आता है कि सबसे दूर, अगर ये कहें कि जो बुध जैसे है, अगर ये कहें कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तब भी हमारा आंसर होगा बुध। तो बुध दो चीज़ याद रखना है, पहले तो ये याद रखना है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, और फिर अगर यही क्वेश्चन होता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तब भी हमारा क्या होता, बुध ही आंसर होता। और अगर जाते रहेगा यही अगर आ जाता कि जैसे मान ली कि हाँ सबसे छोटा ग्रह पूछा गया तो आंसर हो गया बुध, सबसे बड़ा ग्रह पूछता तो हो जाता सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और फिर एक क्वेश्चन बन रहा है कि जैसे आपको बुध को बताया गया कि सबसे जो है सूर्य के सबसे जो आता है दूर, मतलब नज़दीक, सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो वो हमारा क्या है, बुध है। और अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि सबसे दूर कौन है, तो सबसे दूर, देखिए सबसे पास जो है ये तो हो गया सबसे पास, ये सबसे पास, तो सबसे पास जो होता है वो कौन है सूर्य के, वो है बुध। लेकिन सबसे अगर दूर की बात की जाए कि सबसे दूर कौन है सूर्य से, तो सबसे दूर जो होगा, अगर दूर की बात की जाए तो सबसे दूर जो होगा उसे आप कहते हैं वरुण। तो वरुण जो आता है जिसे आप नेपच्यून कहते हैं, तो याद रखिएगा। तो इसमें एक एक ही क्वेश्चन में चार क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन कौन से, अगर क्वेश्चन पूछता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है, अगर पूछता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो वो हमारा बृहस्पति है, अगर ये पूछता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, तो अगेन बुध हमारा आंसर होगा, और ये बोले सूर्य के सबसे दूर कौन सा है, तो सबसे दूर जो है वो है वरुण, जिसे आप नेपच्यून कहते हैं, तो याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं एट्थ नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, तो जानते रहिएगा विद्युत आवेश का SI जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और कूलाम लिखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टेंथ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो जानते रहिएगा पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सुनार, और सुनार देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे सुनार कहते हैं, याद रखिएगा। और देखिए इसी के ऊपर देखिए क्या है, रडार, देखिए रडार का काम क्या होता है, तो जानते रहिएगा जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी चाहे आपका मिसाइल्स हो गए या फिर एरोप्लेन्स हो गए, जितनी भी मतलब हवा में जितनी उड़ने वाली चीज़ें हैं उनका पता लगाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रडार कहते हैं। तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं, जितनी भी उड़ने वाली वस्तुएं हैं उन सब का पता लगाने के लिए हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रडार। फिर देखिए आ जाएंगे टेंथ नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो जानते रहेगा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे इलेवेंथ नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम कुत्ते का नाम क्या है, तो जानते रहिएगा अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला कुत्ता था उसका नाम था लाइका, और लाइका देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला जो प्रथम कुत्ता था उसका नाम क्या था, लाइका था, ये याद रखिएगा।
फिर देखिए आ जाते हैं यहाँ पे 12th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जानते रहेगा विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो है रतौंधी। रतौंधी देखिए ऑप्शन नंबर ई में आया है तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी मतलब जो रात के समय जिनको दिखना कम जिसको कम दिखने लगता है उसे बोलते हैं रतौंधी हो गई है। तो ये विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो देखिए ऑप्शन बी में जैसे है बेरी बेरी, अगर ये कहें कि ठीक है अगर रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है, चलिए मान ले रहे हैं ए की कमी से होती है, तो अगर कहें बेरी बेरी ये किसकी कमी से होती है, तो जानते रहेगा ये विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, याद रखिएगा। अगर बात करें एनीमिया खून की कमी किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आयरन की कमी से, तो ये आयरन भी याद रखिएगा। आयरन की कमी से क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, तो आयरन की कमी से खून एनीमिया की जो प्रॉब्लम होता है वो आयरन की कमी से होता है। बेरी बेरी जो होता है वो बी विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, ये याद रखिए। और बात करें यहाँ ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है ये तो आपका एक बैक्टीरिया है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो जानते रहेगा भारतीय संविधान में जो टोटल जो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमारा टोटल 6, और 6 देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है शुरू में भारतीय संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के जो भी यहाँ पे अधिकार था उसको हटाने के बाद जो हमारे मौलिक अधिकार बच रहे हैं वो केवल 6 बच रहे हैं, इतना याद रखिएगा। हाँ अगर यही ये क्वेश्चन होता कि भारतीय संविधान के बनने के समय भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार रखे गए थे, तो उस समय जो है संपत्ति का अधिकार भी उसमें शामिल था, इसलिए टोटल उस समय जो थे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो अभी प्रेजेंट में अब मौलिक अधिकारों की जो संख्या है कितनी है, 6 है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं यहाँ पे 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की। तो जानते हैं कि द्रविड़ मुनेन्द्र कड़गम जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं डीएमके की स्थापना जो किया था वो किया था अन्नादुरई ने। तो देखिए CN अन्नादुरई देखिए कहाँ है, देखिए CN अन्नादुरई है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जिसे शॉर्ट में कहते हैं DMK की स्थापना किसने किया था, CN अन्नादुरई ने। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो जानते रहेगा भारतीय अंतरिक्ष का जनक जिन्हें कहा जाता है वो है विक्रम भाई साराभाई। तो विक्रम साराभाई देखिए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारा यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको कि भारतीय अंतरिक्ष के जनक जिन्हें कहा जाता है वो कौन है, विक्रम साराभाई। अगर इसमें अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए ऑप्शन ए में आए हैं APJ अब्दुल कलाम की बात की गई है, तो अब्दुल कलाम जी के बारे में हम बात करें तो याद रखिएगा अब्दुल कलाम जी के बारे में जानते रहेगा यही क्वेश्चन ये होता कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो जानते रहेगा इनको जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से। तो मिसाइल मैन के नाम से किनको जाना जाता है, APJ अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। अगर क्वेश्चन होता मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो अब्दुल कलाम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, विक्रम सारा भाई। और अगर ये कहते हैं राकेश शर्मा कौन है, तो जानते रहे अगर यही क्वेश्चन ये होता कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, अगर बोले कि प्रथम जो भारतीय थे जो कहाँ गए थे, अंतरिक्ष में गए थे, तो प्रथम भारतीय कौन थे, तो प्रथम भारतीय जो थे वो कौन थे, राकेश शर्मा थे, ये याद रखिएगा। और अगर बात करें होमी जहांगीर भाभा ये कौन है, तो जानते रहेगा परमाणु कार्यक्रम के जनक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं होमी जहांगीर भाभा। इसका मतलब एक क्वेश्चन में देखिए हमारे पास फिर अगेन हमारे पास 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला ऑप्शन की बात करें अब्दुल कलाम जी किसके लिए जाने जाते हैं, मिसाइल मैन के नाम से। विक्रम भाई साराभाई किस लिए जाने जाते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में। राकेश शर्मा किस लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय के रूप में। और होमी जहांगीर भाभा किस लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में, ये याद रखना है ये सारे पॉइंट आपको। फिर देखिए आ जाते हैं 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो जानते रहिएगा कंप्यूटर चिप का जो दूसरा नाम है
वो है माइक्रोचिप। और माइक्रोचिप दिखे है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कंप्यूटर चिप का जो दूसरा नाम है वो क्या है, माइक्रोचिप। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ 17 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो जानते रहेगा 4 जनवरी को जिस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो देश है म्यांमार। और म्यांमार देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि म्यांमार का जो है स्वतंत्रता दिवस वो कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। फिर जानते रहेगा अगर बात करें, यहाँ देखिए ऊपर ऑप्शन नंबर ए में है, अगर ये कहें कि पाकिस्तान का कब मनाया जाता है, तो पाकिस्तान का जानते रहेगा इनका मनाया जाता है 14 अगस्त को। पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को। और म्यांमार का जो है वो आपको बताया ही दिया गया है 4 जनवरी को। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा क्या कह रहा है कि 18 नंबर, खो खो खेल के मैदान में खेलते समय प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो जानते रहिएगा खो खो खेल के खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ियों की जो टोटल संख्या होती है वो होती है 9। और 9 देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए हमारा यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाते हैं यहाँ पे 19 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। तो जानते रहिएगा इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 जून को। और 21 जून देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 21 जून को। अब अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए अदर ऑप्शन में आया है 21 मार्च। अगर ये कहें कि 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जानते रहेगा 21 मार्च में जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। और 21 जून को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। और अगर बात करें कि 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को याद रखना है आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 31 दिसंबर को। तो ये आज सितंबर को याद इतना याद रखना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में अगेन हमारे पास 3 क्वेश्चन मिल गए। अगर क्वेश्चन आता है कि जो है 21 मार्च को कौन सा मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 21 जून को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे। और अगर बोले 21 सितंबर को, तो 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ये याद रखना है, तीनों दिवस आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाते हैं 20 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोलियो के टीकाकरण की खोज किसने की थी। तो जानते रहिएगा पोलियो के टीकाकरण की खोज जिन्होंने की थी वो हैं जोनास सॉल्क। और जोनास सॉल्क दिखे हैं ऑप्शन नंबर यहां पे बी में, तो हमारे यहां पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जोनास सॉल्क जो हैं उन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। अब अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए पहला नंबर पर है मैरी क्यूरी। अगर ये कहें मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की थी, जानते रहिएगा मैरी क्यूरी ने जो खोज की थी वो की थी रेडियम की खोज। तो इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने खोज की थी रेडियम। तो इन्होंने रेडियम की खोज की थी। अगर बात करें यहाँ जोनास सॉल्क, तो हमें पता है इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। अगर बात करें लुईस पाश्चर ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। किसकी की थी, रेबीज। तो रेबीज के टीके की खोज जो इन्होंने की थी ये किसने की थी, ये लुई पाश्चर ने की थी, ठीक। और अगर बात करें यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये आपको याद रखना है। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन में यहाँ पे अगेन हमारे पास देखिए 4-4 यहाँ पे टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये पूछा गया कि मैरी क्यूरी किसकी खोज की थी, रेडियम, या फिर रेडियम की खोज किसने की थी, मैरी क्यूरी ने। अगर बात आता है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जोनास सॉल्क ने। अगर आता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज की बात आती है, तब यहाँ होगा लुई पाश्चर ने। और अगर होता कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चारों चीजें आपको याद रखना है कि मैरी क्यूरी का संबंध किससे है, रेडियम से। जोनास सॉल्क का संबंध किससे है, पोलियो के टीके की खोज से। लुई पाश्चर का संबंध किससे है, रेबीज के टीके से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का किससे संबंध है, वो है पेनिसिलिन से। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 देखिए 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। तो जानते रहेगा गौतम बुद्ध जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोधगया में। और बोधगया देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें, तो देखिए अदर ऑप्शन में अगर हम आएँ, तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहे हैं,
अगर यही क्वेश्चन होता कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जानते रहेगा इनका जो जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में, तो जन्म की बात अगर पूछता तो लुम्बिनी हो जाता। अगर ये होता इनका मृत्यु कहाँ हुआ, तो मृत्यु जो हुआ था वो हुआ था कुशीनगर में। तो ये आपको याद रखना है, अगर पूछता है कि महात्मा जो भी गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो लुम्बिनी में। अगर इनका मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। और अगर होता इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो वो है बोध गया में। तो एक ही क्वेश्चन में तीन हमारे पास फिर से क्वेश्चन मिल गए। आपको याद रखना है कि बोध गया का संबंध किससे है, बोध गया का संबंध गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से है। कुशीनगर में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। और लुम्बिनी में क्या हुआ था, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और याद रखिएगा कुशीनगर में यहाँ पे जो आया था महात्मा जो गौतम बुद्ध जी का मृत्यु हुआ था, और इनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण भी बोला जाता है। अगर ये बोलते हैं महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण जो बोला जाता है महात्मा जी जो थे गौतम बुद्ध जी के मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। उनकी मृत्यु कहां हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। चलिए आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा 22 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा सब प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। इसका मतलब कि इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे, मतलब पहले नंबर की बात नहीं कर रहा है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन होता कि इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा अगर तत्व पाने की बात आती तो हमारा ऑप्शन होता हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, ये कह रहा है कि दूसरे नंबर पे, तो यहाँ दूसरा नंबर, यहाँ फर्स्ट नंबर की बात नहीं की रही। तो जानते रहेगा इस ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पर जो प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है हीलियम। और हीलियम देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है, जो दूसरा है वो कौन सा है, हीलियम है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता कि हमारा पहला कौन सा है, तो पहला जो है हमारा वो कौन सा है, पहला हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर पे है, और ये हमारा क्या है, सेकेंड नंबर पे है। फिर क्या आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 23 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अंक गणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक को क्या कहा जाता है। तो जानते हैं कि अंक गणितीय एवं तार्किक या लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले साधक या प्रोफेसर जो प्रोसेसर को जो कहा जाता है वो कहा जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को ही हम बोलते हैं ALU। तो ALU जो होता है ये अंक गणितीय और तार्किक क्रियाओं को करने वाला जो होता है साधक होता है, इसलिए ALU को हम यहाँ पर राइट आंसर मान लेंगे। इसी का ALU का ही फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर देखिए आ जाते हैं यहाँ पे हमारा 24 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन थी। तो यहाँ पे पहली भारतीय खिलाड़ी महिला खिलाड़ी की बात हो रही है, इतना याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। तो जानते रहिएगा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो खिलाड़ी थी वो थी कमलजीत संधू। और कमलजीत संधू देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो थी वो कौन थी, कमलजीत संधू। फिर देखिए आ जाते हैं 25 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जानते रहेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जिस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो वर्ष था 1913 देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर देखिए आ जाते हैं 26 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो जानते रहेगा अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये जिस राज्य में स्थित हैं वो राज्य है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र देखिए है ऑप्शन नंबर ए बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। फिर देखिए आ जाएंगे 27 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी एस एल वी से क्या अभिप्राय है, मतलब PSLV क्या है। तो जानते रहिएगा PSLV जो है ये क्या है, ये हमारा इसरो का एक रॉकेट है, इतना याद रखिएगा। अब इसका PSLV का फुल फॉर्म अगर यहाँ पूछ रहा है कि इसका क्या मतलब है, तो जानते रहिएगा PSLV जो हमारा है वो है
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जानते रहिएगा पीएसएलवी जो है हमारा इसरो का एक रॉकेट है, जिससे हम क्या करते हैं जो भी यहाँ पे ग्रह उपग्रह जो भी यहाँ पे उपग्रह जो भी या सैटेलाइट जो भी हम यहाँ पे पृथ्वी का आवरण से बाहर भेजने का काम करते हैं, तो उसके लिए हम पीएसएलवी का हम प्रयोग यहाँ पे करते हैं। तो पीएसएलवी का क्या मतलब होता है, पीएसएलवी का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टायर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहां स्थित है। तो जानते हैं कि टायर्स यह एक समाचार एजेंसी है, इसका जो आपका मुख्यालय है यह स्थित है यूके में, और यूके देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहां पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि टायर्स एक समाचार एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहां पे है, यूके में। फिर देखिए आ जाएंगे 29 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। तो जानते रहिए डॉल्फिन के समूह को कहा जाता है पॉड, और पॉड देखिए यहाँ पे आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आपको याद रखना है कि हाल ही में डॉल्फिन को हमारा राष्ट्रीय जलीय जो है जीव के रूप में इसको दर्जा दिया गया है, तो राष्ट्रीय जलीय जो जीव जो घोषित किया गया है वो डॉल्फिन को किया गया है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पे ये पूछ ही रहा है कि डॉल्फिन के समूह को क्या कहते हैं, तो डॉल्फिन के समूह क्या बोलते हैं, पॉड कहते हैं, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे। तो जानते रहिएगा लोकसभा के जो पहले जो स्पीकर या अध्यक्ष जो थे वो थे जीवी मावलंकर, और जीवी मावलंकर देखिए ऑप्शन नंबर ए में आए हैं, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष या जो पहले स्पीकर थे वो कौन थे, जीवी मावलंकर। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ 31 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जानते हैं कि जीवन की जो मूलभूत इकाई है उसे हम कहते हैं सेल या कोशिका, और सेल या कोशिका दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है जीवन की जो मूलभूत इकाई या जो मूलभूत जो यूनिट होती है उसे हम सेल या फिर कोशिका कहते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे 32 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है। तो इसमें कौन सा है जिसमें न्यूनतम छिद्रयुक्त है, इसमें मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप देखिए ऑप्शन क्या दिया है, रेतीली मिट्टी हो गई, गाद भरी मिट्टी हो गई, चिकनी मिट्टी हो गई, क्षारीय मिट्टी, मतलब इन चारों टाइप की मिट्टियों में वो कौन सी मिट्टी है जिसमें वायु जो है आसानी से आर पार जा सकती है, तो और वो हो जाएगी वो छिद्रयुक्त हो जाएगी। और यह क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है, मतलब किसमें कम से कम हवा क्रॉस कर सकती है। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें तो यहाँ जो हमारी जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मिट्टी। जी हाँ, चिकनी मिट्टी जो हो जाएगा ये न्यूनतम छिद्रयुक्त होती है, इसलिए हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि चिकनी मिट्टी जो होती है वो न्यूनतम छिद्रयुक्त होती है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 33 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। तो जानते रहिएगा चाणक्य का जो एक और जो नाम है वो नाम है आपका विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त दिखे आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर पे जो आया है विष्णुगुप्त, ये चाणक्य का एक और नाम है, याद रखिएगा। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त भी के नाम से बुलाया जाता है, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 34 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो जानते रहिएगा आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे दयानंद सरस्वती, और दयानंद सरस्वती दिखे आए हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर अदर ऑप्शन की बात करें, देखिए अदर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि अदर ऑप्शन में अगर ये आ गया ठीक है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने की। अगर ये होता कि यही क्वेश्चन होता कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो जानते रहिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना जिन्होंने की थी वो थे राजा राम मोहन राय। अगर यही होता ब्रह्म समाज, अगर यही होता कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ब्रह्म समाज की स्थापना जिन्होंने की थी वो कौन थे, राजा राम मोहन राय। हाँ, अगर यही क्वेश्चन ये होता कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, जानते रहेगा विवेकानंद जी ने, जानते रहेगा रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो जानते रहेगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, विवेकानंद जी ने। तो आपके पास देखिए एक ही क्वेश्चन, हमारे पास तीन तीन क्वेश्चन मिल गए। अगर क्वेश्चन आता है आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद जी ने, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 35 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकली है। देखिए कौन कौन सी नदी दी गई है, ऑप्शन ए में है गंगा, ऑप्शन बी में है कृष्णा, ऑप्शन सी में है दामोदर और ऑप्शन डी में है सोन। तो जानते रहेगा इन चारों की बात करें। 35 नंबर हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकली है, तो जानते रहेगा पश्चिम घाट से निकलने वाली जो नदी है वो है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाते हैं पे 36 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी के पिता कौन थे, या सुभाष जी के पिताजी कौन थे, या उनका नाम क्या था। तो जानते रहिएगा सुभाष चंद्र जी के पिताजी का जो नाम था वो था जानकीनाथ बोस, और जानकीनाथ बोस लिखे हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी का नाम क्या था, जानकीनाथ बोस। फिर देखिए आ जाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है, या जिसे उत्कृष्ट या फिर नोबेल धातु कह रहे हैं। ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं जैसे ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है चांदी, ऑप्शन सी में है कांस्य, और ऑप्शन डी में है एल्यूमिनियम, तो कह रहे हैं इन चारों में कौन सी धातु है जिसे नोबेल मानेंगे, उत्कृष्ट मानेंगे। तो जानते रहिए कि इन चारों की बात करें जो सबसे नोबेल और सबसे उत्कृष्ट धातु मानी जाती है वो धातु है चांदी, और चांदी देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ बी में है, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है सबसे नोबेल या सबसे उत्कृष्ट जो धातु मानी जाती है वो कौन सी है, चांदी है। फिर देखिए आ जाएंगे 38 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटेनिक किस देश का था। तो जानते रहेगा प्रसिद्ध जो टाइटेनिक, आपने मूवी भी देखा होगा, एक मूवी भी बनाई गई थी इस पे टाइटेनिक, तो जानते रहेगा जो प्रसिद्ध टाइटेनिक जो जहाज था ये जो था ये बनाया था ग्रेट ब्रिटेन ने, और ग्रेट ब्रिटेन दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, जिसे हम यूके भी कहते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटेनिक जो था वो ग्रेट ब्रिटेन से रिलेटेड है, ग्रेट ब्रिटेन का जहाज था, ये याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे 39 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मारियाना गर्त, या जिसे मारियाना ट्रेंच के नाम से भी आप जानते हैं, तो मारियाना गर्त या फिर मारियाना जो ट्रेंच है किस महासागर में स्थित है। तो जानते रहेगा मारियाना जो ट्रेंच, या जिसे मारियाना गर्त हिंदी में कहते हैं उसी को इंग्लिश में बोलते हैं मारियाना ट्रेंच, तो मारियाना ट्रेंच या मारियाना जो गर्त है ये स्थित है जानते रहेगा प्रशांत महासागर में, और प्रशांत महासागर दिखे है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मारियाना ट्रेंच या मारियाना जो गर्त है वो कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। फिर देखिए आ जाएंगे 40 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो जानते रहेगा मानव शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपीज, और स्टेपीज देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम क्या है, स्टेपीज होती है, और कहते हैं ये कहाँ पाई जाती है, तो जानते रहिए कान में पाई जाती है, स्टेपीज जो होता है कान में पाई जाती है, और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन ये होता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो जानते रहिएगा मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसे आप बोलते हैं फेमर, ये फेमर जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगर ये होता कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो फेमर होती है, जो कहाँ पाई जाती है, जांग में, तो जानते हैं ये जांग की हड्डी है जिसका नाम क्या है, फेमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो होती है स्टेपीज, जो कि कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है, ये जानते हैं। तो कान में पाई जाती है स्टेपीज, ये सबसे छोटी हड्डी होती है, और मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फेमर बोलते हैं, जो कहाँ पाई जाती है, जांग में पाई जाती है, याद रखिएगा। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 41 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है। तो जानते हैं कि पीछे की ओर उड़ने वाला जो एकमात्र जो पक्षी है वो है हमिंग बर्ड, और हमिंग बर्ड दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ ए में, तो हमारे यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र जो पक्षी होता है वो होता है हमिंग बर्ड। फिर देखिए आ जाएंगे 42 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। तो जानते रहेगा ऑक्टोपस के खून का जो रंग होता है वो नीला होता है, और नीला दिखाया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, नीला होता है। फिर देखिए आ जाएंगे 43 नंबर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। तो जानते रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला जो शहर है वो सिडनी है, और सिडनी लिखिया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, सिडनी है।
फिर देखिए आ जाएंगे 44 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जानते रहिएगा भारतीय विज्ञान संस्थान जो है ये स्थित है बेंगलुरु में, और बेंगलुरु देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अदर अगर यहाँ ऑप्शन की बात करें कि कानपुर में क्या है, मुंबई में क्या है, या फिर चेन्नई में क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। तो जानते रहिएगा पहले तो बात करते हैं बेंगलुरु भारतीय विज्ञान का जो संस्थान है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। अगर बात करें यहाँ पे कानपुर में क्या है, तो जानते रहे कानपुर में जो है जानते रहेगा राष्ट्रीय दलहन संस्थान, तो राष्ट्रीय दलहन संस्थान जो कहाँ पे है कानपुर में, तो चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो अगर बात आती है राष्ट्रीय और दलहन, अगर बात आती है दलहन तो ये लिख दे रहे हैं, चलिए दलहन, अगर बात आती है राष्ट्रीय दलहन संस्थान, अगर बोला जाता है राष्ट्रीय दलहन संस्थान कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या होगा कानपुर में। तो राष्ट्रीय दलहन संस्थान है कानपुर में, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है बेंगलुरु में, अगर बात करें यहाँ पे मुंबई में, तो मुंबई में जानते रहिएगा मुंबई में आपका जो पड़ता है वो होता है भू चुंबकीय संस्थान, तो भू चुंबकीय, तो यहाँ चलिए नोट कर दें चुंबकीय संस्थान। तो अगर बात करें भू चुंबकीय संस्थान जो है वो कहाँ पे है, तो वो संस्थान जो है वो है आपका मुंबई में। तो हम अब नेक्स्ट आ देते हैं चेन्नई, अगर चेन्नई की बात करें कि चेन्नई में क्या है, तो जानते हैं कि चेन्नई में जो है आपका वो है केंद्रीय आपका चमड़ा संस्थान। अगर केंद्रीय चमड़ा संस्थान की बात करें तो केंद्रीय जो चमड़ा संस्थान है वो कहाँ पे है, वो है चेन्नई में। तो अगेन हमारे पास देखिए एक ही क्वेश्चन में हमारे पास चार यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो वो बेंगलुरु होगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है भी। अगर यही होता कि राष्ट्रीय दलहन संस्थान कहाँ पे है, तो वो कानपुर में आंसर हो जाएगा। अगर आता क्वेश्चन राष्ट्रीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ है, तो वो मुंबई में है। और यही होता कि केंद्रीय या फिर राष्ट्रीय चमड़ा संस्थान कहाँ पे है, तो वो चेन्नई में है। तो ये इसको भी आपको याद रखना है। फिर देखिए आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 45 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। तो जानते रहिएगा जिस खेल को ओलंपिक से हटा दिया गया है वो है बेसबॉल, और बेसबॉल देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बेसबॉल को ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है। फिर देखिए आ जाएंगे यहाँ पे 46 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में लैन जो है लैन का क्या अर्थ है, या आप कह सकते हैं कि लैन का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जानते रहिएगा लैन का जो मतलब होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और लोकल एरिया नेटवर्क की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के संदर्भ में या कंप्यूटर के लिए जो शब्द यूज़ किया जाता है लैन, उस लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर देखिए आ जाएंगे 47 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों को उपयोग विधि किसने तैयार की थी। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन को कि वर्तमान में हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों को उपयोग विधि किसने तैयार की, मतलब जो भी रासायनिक जो भी हम चीज़ें करते हैं उसके जो प्रतीक जो हैं उसके उपयोगिता को किसने कौन लेकर आए थे, इन्होंने इसको दिया था। तो जानते रहिएगा जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा बर्जीलियस, और बर्जीलियस देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों को उपयोग विधि जिसने तैयार किया था वो कौन थे, बर्जीलियस जो कि ऑप्शन नंबर सी में आए हैं, तो हमारे यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे यहाँ पे 48 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। तो जानते हैं पृथ्वी चक्र, कहे पृथ्वी चक्र जो है पृथ्वी जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। तो जानते हैं कि पृथ्वी जल चक्र जो संचालित होता है वो होता है सूर्य के द्वारा, और सूर्य देखिए है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है पृथ्वी जल चक्र जो संचालित होता है किसके द्वारा होता है, सूर्य के द्वारा। फिर देखिए आ जाते हैं यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, और हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ओ एन सी जी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जानते रहिएगा ONCG का जो मुख्यालय है ये देहरादून में है, और देहरादून देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ONGC का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, देहरादून में है। फिर देखिए आ जाएंगे आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम
हेनी मेड है तो जानते रहे गेनी मेड, तो जानते रहेगा जिस ग्रह के चंद्रमा का नाम गेनी मेड है वो ग्रह है बृहस्पति, और बृहस्पति देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अब इसको थोड़ा सा और कुछ डिटेल यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। जानते रहेगा यहाँ जैसे आपको बताया गया कि गेनी मेड जो है ये किसका है, ये बृहस्पति का जो है क्या है चंद्रमा है या कह सकते हैं उपग्रह है। और ये भी याद रखना है कि सौर, अगर यही क्वेश्चन ये आ जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा या सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो जानते रहिएगा सबसे बड़ा जो उस चंद्रमा या सबसे बड़ा जो ग्रह उपग्रह है वो कौन है, गेनीमेड है। याद रखिएगा चाहे क्वेश्चन ये आए कि गेनीमेड जो चंद्रमा का नाम जो गेनीमेड है किस ग्रह का चंद्रमा है, बृहस्पति ग्रह का, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता था कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा का क्या नाम है, तो गेनीमेड है। और गेनीमेड के बाद में एक बात और याद रखना है कि ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, अगर ये होता हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है तभी भी हमें याद रखना कि गेनीमेड ही है, ये याद रखना है। हाँ, अब अगर बात करें कि यहाँ देखिए जैसे अदर ऑप्शन की जैसे शनि है, अगर कहें कि शनि का जो है सबसे जो है ये चंद्रमा कौन है उसका नाम क्या है, तो जानते रहिएगा शनि का जो चंद्रमा है उसका नाम है टाइटन। तो क्या नाम है इसका, टाइटन। तो टाइटन जानते रहिएगा ये किसका है, ये शनि का चंद्रमा है। और अगर यही देखिए इसको भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि टाइटन किसका चंद्रमा है, तो आपको ये बताना है शनि का, या फिर शनि ग्रह का चंद्रमा कौन है, टाइटन है। और इसी को एक तरह से और पूछा जा सकता है कि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, तभी भी हमारा क्या होगा, टाइटन ही आंसर होगा। याद रखिएगा हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है, गेनीमेड है, और गेनीमेड किसका चंद्रमा है, बृहस्पति ग्रह का। और अगर यही क्वेश्चन आए कि सेकंड नंबर पे कि हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा कौन है, तो दूसरा जो चंद्रमा है वो कौन सा है, टाइटन है, और ये टाइटन किसका चंद्रमा है, शनि ग्रह का है, इतना याद आपको रखना है। फिर बात करें यहाँ पे देखिए ठीक है, और बाकी सारी चीज क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस यही पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे हमारा यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह का चंद्रमा का नाम क्या है, गेनीमेड है, तो बृहस्पति है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कहें गेनीमेड की अगर स्थिति की बात करें तो ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। फिर बाद में आया कि सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, टाइटन है, टाइटन किसका चंद्रमा है, शनि का है। तो ये सारी चीज़ें में भी आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए देखिए हमारे चूंकि यहाँ 50 क्वेश्चन को ही रखे गए हैं, तो 50 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे, तो मे बी आपको यहाँ वन बाई वन सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए आज कितने रखते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।